सोलन के नौनी का एक परिवार इलाज के लिए तरस रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि इलाज के लिए परिवार के पास जमा पूंजी पूरी तरह से खर्च हो चुकी है और अब इलाज करवाने के लिए उनके पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची है। आपको बता दें कि जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं, उस परिवार का मुखिया दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल है और वह IGMC शिमला में भर्ती है। वहीं मुखिया का बड़ा बेटा भी एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुका है और वह 100% पैरालाइज है। वह बिस्तर से हिल भी नहीं सकता है। बिस्तर पर पड़े पड़े युवक के शरीर पर गहरे घाव भी पड़ चुके हैं, लेकिन बेबस माँ जो खुद दिल की बीमारी से जूझ रही है, वह छोटे बेटे और पति किसी का भी इलाज करवाने में असमर्थ है, क्योंकि जो भी उनके पास जमा पूंजी थी वह दोनों के इलाज पर खर्च हो चुकी है। वहीं इस मौके पर मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार से बेबस और लाचार महिला टिल्लो देवी ने गुहार लगाई है कि वह इस स्थिति में उसकी मदद करे ताकि उसके बेटे और पति का इलाज हो सके। महिला ने पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि उनका परिवार उनके पति पर ही पूरी तरह से आश्रित था, लेकिन उनके घायल होने से उनका परिवार भारी परेशानी में आ गया है। उन्होंने गुहार लगाई है कि प्रदेश सरकार और प्रदेश की सामाजिक संस्थाएं इस संकट की घड़ी में मदद करें। 21 मार्च को जो मेरे बेटे की एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें चार लड़के की डेथ हो गई थी और मेरा लड़का बच्चा था, जिसको PGI रेफर कर दिया था, और PGI में बहुत ही खर्च आ रहा है हमारा आने जाने पे, और उसका इलाज के लिए अब हमारे लिए पैसे कुछ ही नहीं बचे हुए, जो था वो खत्म हो गया। उसके बाद अब 10 तारीख को मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ रोडू में, और उन्हें शिमला रेफर कर दिया गया है वहाँ से, और उनके पाँव में रोडेज लगी है। बच्चों का पेट पालना मुश्किल है, मेरे चार बच्चे हैं, और हम इसलिए जाते हैं कि सबकी मदद करते CM साहब, और हमारी मदद भी कर दे, तब जाते हैं हम। लोग मिलने नहीं देते हमें। जो DC साहब को मिले थे, पर DC साहब बोलते वो पहले दी थी 1,80,000 दिया था, तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला भाई हमने आपको दे दिया, हम नहीं दे सकते अब, जब बेटे का हुआ था। और पति के बारे में गई थी मैं, पति को बोला भाई हम मदद नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं होगा कुछ मदद नहीं इनका, और रोड से करो। लोगों से अपील करती हूँ कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, और मेरे बेटे की हालत बहुत ख़राब है और मेरे पति के भी शिमला IGMC में है, कि आपको बहुत धन्यवाद, आपकी बहुत मेहरबानी जी, आप लोग हमारे से मदद कर सकें।